छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, मशरूम के शौकीन सावधान रहें। जंगली मशरूम खाकर एक ही परिवार के 7 सदस्य बीमार, अस्पताल में भर्ती। कोरबा, बरसात के दिनों में निकलने वाला जंगली मशरूम को खाने से कटघोरा के एक ही परिवार के 7 लोगों की हालत बिगड़ गई है। दरअसल ग्राम पंचायत पखनापारा गंगदेई निवासी महेश दास पानिका के 12 वर्षीय बेटे आदर्श ने अपने ही बाड़ी से जाकर पुट्टू लेकर आया। बता दे कि यह पुट्टू पैरा के पास निकला हुआ था, जिसे पैरा पुट्टू समझकर वो घर ले आया, जिसके बाद जंगली पुट्टू को सभी ने इसे खाया। खाने के बाद महेश काम पर चला गया और आदर्श स्कूल चला गया, जहां स्कूल में ही उसे उल्टी होने लगी और इधर घर में भी सभी की हालत बिगड़ने लगी। हालत की गंभीरता को देखते हुए सभी को भिलाई बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जिसमें महेश दास पनिका, उसकी पत्नी सरोजनी बाई, मां मानकुंवर, भाई जितेंद्र, ऋतु, पुत्र आदर्श और आरव्या को फूड प्वाइजनिंग होना बताया गया। आरएमओ पुरुषोत्तम तिवारी ने इलाज शुरू किया, जिसमें दोनों बच्चों की हालत ज्यादा गंभीर थी। दोनों बच्चों को बेहोशी की हालत में स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। फिलहाल पूरा परिवार अभी खतरे से बाहर है। वहीं फूड पॉइजनिंग की जानकारी होने पर बीएमओ डॉक्टर रुद्रपाल सिंह कंवर ने भिलाई बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच सभी का हालचाल जाना। डॉक्टर ने बताया कि अभी बरसात के दिनों में किसी को जंगली पुट्टू का सेवन नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों की माने तो जंगलों में पाए जाने वाले कुछ मशरूम जहरीले होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनका सेवन करने से फूड प्वाइजनिंग की आशंका होती है, ज्यादा स्थिति खराब होने पर जान भी जाने का डर रहता है। अगर मशरूम की सही पहचान नहीं होता है, जंगली मशरूम खाने से बचना चाहिए। जंगली पुट्टू खाने से फूड प्वाइजनिंग का खतरा बना रहता है, जिससे जान को खतरा भी हो सकता है।